अंदर हम लोगों को पता है क्या कंडीशन होती है, हम लोगों से बहुत सारे ऑफर हमारे सामने रख दिए जाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये सब चीज़ों में हमें ध्यान रखना है कि हमारी मुख्य मांग क्या है। जो लीडरशिप में अंदर गए हैं उनको ये याद है और यही मुख्य होता है, इसके अलावा कोई चीज़ महत्व नहीं रखती। हो सकता है मैं जा पाऊँ, हो सकता है ना जा पाऊँ, हो सकता है तुम जा पाओ, ये कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस इस चीज़ की है कि हमारी मांग पूरी हो। क्या हो? पूरी हो। तो इसके लिए एक जवाब एक बार जोरदार तरीके से सब लोग नारे लगाएंगे, दिया
ये जो हमारी मुख्य लड़ाई है दो मांगों को लेकर, वो क्या है? इंसेंटिव को डबल करो और हमें आंगनवाड़ी महिलाओं की तरह, आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरह मानदेय दो, सम्मानजनक स्थिति में सम्मानजनक मानदेय देना पड़ेगा और तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। उसमें आप पार्टी के हर राज्य के मंत्री बैठे हुए थे, उसमें केंद्र सरकार के मंत्री बैठे हुए थे, उसमें डिसाइड हुआ, उसमें सभी लोगों ने ये माना, उसमें ये तय हुआ, ये सिफारिश है उनकी कि मिड डे मील वर्कर, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर तीनों को कर्मचारी माना जाए और कर्मचारी मानकर उनको वेतन दिया जाए। उसके बावजूद हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हमारी राज्य सरकार इस वक्त हमारी एक बात नहीं सुन रही थी। हमारी हड़ताल के कारण मजबूर होकर आज हमें बार बार बुला रही है, ये बात ठीक है, लेकिन अभी भी यदि वो 10,000 पर नहीं मानते हैं तो क्या आप सब लोग एग्री करेंगे? तो यही चीज है, हम इस चीज के लिए कह रहे हैं कि अगर 45वें संत सम्मेलन में सब हाँ करके आए थे कि हाँ भाई हम कर्मचारी मानेंगे, केंद्र सरकार अगर बोल के आई है कि हाँ भाई इनको कर्मचारी माना जाएगा, इनको वेतन दिया जाएगा, तो वेतन देने में तकलीफ क्यों? क्यों उनके पेट में दर्द हो रहा है? जब सिफारिश की थी तब आप उसी वक्त मना करते थे कि हम नहीं मानेंगे, जो विरोध होता उस वक्त होता। आज जो मान ली गई है उस चीज को लागू करने में क्यों देर लगा रहे हैं? क्यों देर लगा रहे हैं उस चीज को लागू करने में? हम बहनों को चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हो, मिड डे मील वर्कर हो, चाहे वो आशा वर्कर हो, घर से निकाला इसलिए थोड़े से पैसों का लालच देके हमें काम पे लगाया। हमारे सेवा भाव का जो गुण है हमारे अंदर कुछ गुण अलग होते हैं, ममता का, प्यार का, दया का, सेवा का, उन भावों का, उस सेवा भाव का इन सरकारों ने गलत उपयोग किया। हमें सेवा स्वयं से भी कह के लगाया, हमसे काम करवाया और छोटा छोटा पैसा देके जिससे फ्रीक में भिखारियों को देते हैं, हम क्या भिखारी है? हमें ऐसे पैसा दे देकर उन्होंने कह दिया भाई ठीक है इसमें तुम स्वयं से भी हो, काम करते रहो। नहीं, इस चीज के लिए हम तैयार नहीं है। हम अपने इतने अच्छे गुण को अगर हमें करना होगा सेवा भाव, हम कर देंगे फ्री में, लेकिन जब आप हमें कुछ दे ही रहो तो सम्मानजनक हो। हमारा जो वेतन आपने कर्मचारी मान लिया है 45वें संत सम्मेलन में, उस हिसाब से हमें वेतन दो, कर्मचारी मानो, हमारी मांग जायज है और उसके लिए हम लड़ेंगे। कब तक लड़ेंगे? जब तक हमें चीज नहीं मिलती। एक लाख जिंदाबाद, जिंदाबाद।